केलवम 375 mg टेबलेट जो कि बनाई जाती है एल्केम लेबोरेटरीज़ के द्वारा बनाई जाती है। अमोक्सिलिन 250 mg रहता है और कैल्विनिक एसिड इसके अंदर 125 mg रहता है। 218 रुपये का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जिसमें 10 टेबलेट रहती है। तो ये टेबलेट क्या करती है कि ये टाइप 2 पेनिसिलिन टाइप एंटीबायोटिक होती है जो कि दर्द के केस में यूज़ होती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होती है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको केलवम 375 mg टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। केलवम 375 mg टेबलेट जो कि बनाई जाती है एल्केम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। अमोक्सिलिन 250 mg एंड कैल्विनिक एसिड 125 mg रहता है। 218 रुपये का यह पूरा स्ट्रिप रहता है जिसमें 10 गोली रह जाती है और इसके अंदर जो कंटेंट डाला गया है वो एक पेनिसिलिन टाइप एंटीबायोटिक्स है जो कि फाइट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का और ट्रीटमेंट करता है लंग्स का, ईयर्स का, नोजल सीनस का, यूरिनरी ट्रैक का, स्किन का और सॉफ्ट टिश्यू का ये ट्रीटमेंट करता है और कॉमन कोल्ड में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होने वाली टैबलेट है। अगर आप इस टैबलेट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, डॉक्टर की सलाह से यूज़ नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, तो वो साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है। तो जब भी इसको ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ले, तोड़ के वगैरह नहीं ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो केलवम 375 mg टेबलेट काम कैसे करता, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर दो दवाई डाली गई है, अमोक्सिलिन एंड केलविनिक एसिड। अमोक्सिलिन एक एंटीबायोटिक्स है जो कि प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया के सेल्स वाल को और उसके जो फूड रिक्वायरमेंट रहता है तो वो नहीं मिलता जिससे उसका ग्रोथ नहीं होता। और केलविनिक एसिड जो कि बीटा लैक्टोमेस इनहिबिटर है जो कि क्या करता है कि कम कर देता है उसके रेजिस्टेंट को जिससे एक्टिविटी कम हो जाती है अमोक्सिलिन के अगेंस्ट में, तो ऐसे काम करती है टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।